हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये है लेक्चर नंबर 10.4, जिसमें हम यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं रहेगा, काफी सारी इसमें टेक्निक्स दी हुई है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटीआईआर और ऐसे ही बहुत सारी इसमें इंफ्रारेड भी है, सब कुछ दिया है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। बट बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जो है हमारे पास में टाइम कम है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। बट मैं बेसिक 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 जितना भी आपके सिलेबस में है बेसिकली, ठीक है, सिलेबस का कुछ भी नहीं छूटेगा। ये मैं सोचना कि मैं जो है एक ही लेक्चर में ये सब पढ़ा रही हूँ तो आपका सिलेबस कम रह जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस कवर होगा, सिलेबस में ही आपका दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। एक बात मैं बता दूं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है फॉरेंसिक साइंस का, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए। सारे लेक्चर्स हैं, एक महीने के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। यूनिट नंबर 10 चल रही है, जो कि आज वो ही खत्म हो जाएगी और कल से नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि हमने सारी यूनिट्स, डेली वीडियो, डेली लेक्चर आया है और सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं, पूरी की पूरी 9 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 10 भी यूनिट आज खत्म हो जाएगी, कल से आपकी 11th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। टोटल आपके पास में 12 यूनिट्स हैं फॉरेंसिक साइंस की, तो वो मैं यहाँ पे कवर आपको करा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली वीडियो मिलता है शाम को 6 बजे और जितने ही बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, फॉर श्योर होगी। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी कब, अभी 1st of March से, ठीक है, 1st of March से रोज शाम को 6 बजे आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप सब लोग ज्वाइन जरूर करना। अभी हम बस फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, एक बार को सिलेबस खत्म हो जाए फिर मैं आपको रेगुलर सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, जिसमें प्रिंसिपल, अपैरेटस, प्रोसीजर और इम्पोर्टेंस आनी चाहिए, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और जनरल आइडिया, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल आइडिया पूछा है। तो कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा है इस यूनिट में उन्होंने, तो हम वैसे ही उसी तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोरेंसिक साइंस की फील्ड में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है और प्रेजेंटली आपको कोई भी इस तरीके की गाइडेंस नहीं दे रहा है, जिससे कि जो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप सभी लोग इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसीलिए अगर आप फोरेंसिक की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने यूजी, पीजी, पीएचडी और फिर जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज, इनके रिगार्डिंग आप कुछ भी जानना चाहते हो फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मेरी 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो। आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू बात करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर बस रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपको बाकी की सारी डिटेल्स जो भी रहेंगी वो आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन रजिस्टर फॉर 1-on-1 करियर गाइडेंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी हम शॉर्ट फॉर्म में EM भी बोल देते हैं, इसमें EM रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हर ही प्रकार के, हर रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज एनर्जी दैट ट्रेवल्स एंड स्प्रेड आउट एज इट गोज द विजिबल लाइट दैट कम्स फ्रॉम अ लैम्प। जैसे रेडिएशन क्या, रेडिएशन यानी कि एनर्जी टाइप की है जो फ्लो हो रही है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, फ्लो हो रही है और स्प्रेड आउट हो रही है। जैसे कि विजिबल लाइट जो आपके लैंप से आ रही है, जो लाइट लैंप से, लाइट्स से, टॉर्च से, इन सब से आ रही है, वो क्या है, घर में जो लाइट है वो है विजिबल लाइट। जो रेडियो से वेव्स निकल रही हैं वो क्या है, वो रेडियो स्टेशन से जो वेव्स निकल रही है वो रेडियो वेव्स हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप होती हैं, ये दो तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और हम और टाइप्स की बात करें EM रेडिएशंस की, तो
इसमें आती हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, अलग अलग रेंज पे होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गामा रेज, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हर्ट्ज दी हुई है, गामा रेज है, यहाँ पे एक्सरे है, फिर यहाँ यूवी है और ये विजिबल एरिया है। ठीक है, विजिबल एरिया में ही आपको कलर्स दिखाई देते हैं, बाकी के एरियाज में जो है कलर्स नहीं दिखते हैं। फिर इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, टेलीविजन वेव्स और रेडियो वेव्स, ये सब अलग अलग वेवलेंथ पे दिखाई देती हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम रेडियो की बात करें अगर, तो योर रेडियो कैप्चर्स रेडियो वेव। रेडियो क्या कैप्चर कर रहा है? रेडियो वेव, जो रेडियो स्टेशन से एमिट हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी फेवरेट ट्यून्स या म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। रेडियो वेव्स आर ऑल्सो एमिटेड बाय स्टार्स एंड गैसेस इन द स्पेस। स्पेस में जो स्टार्स एंड गैसेस हैं वो भी रेडियो वेव्स एमिट कर रहे हैं। फिर माइक्रोवेव की बात करें तो भाई माइक्रोवेव जो जिसके घर में है, ठीक है, उनके यहाँ पे बता दूं कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है कुक कर सकती हैं, कुकिंग के लिए यूज होती है, बट इट ऑल्सो यूज बाय एस्ट्रोनॉम्स टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय गैलेक्सी। माइक्रोवेव्स का यूज जो है वो एस्ट्रोनॉट्स भी करते हैं गैलेक्सी के स्ट्रक्चर की, गैलेक्सीज के आसपास के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। तो आप देख सकते हो रेडियो वेव्स का भी यूज सिर्फ रेडियो सुनने के लिए नहीं हो रहा है, माइक्रोवेव्स का यूज सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं हो रहा है। ऐसे इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो नाइट विजन गॉगल पिकअप्स द आईआर लाइट एमिटेड बाय आवर स्किन एंड ऑब्जेक्ट्स विद हीट इन स्पेस। आईआर हेल्प अस मैप डस्ट बिटवीन द स्टार्स। स्टार्स के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी मैपिंग करने के लिए हम आईआर इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। इसके बाद में विजिबल की बात करें, अब हम विजिबल एरिया जो है, विजिबल एरिया बेसिकली वो लाइट है जो आपको दिख रही है, जो आपकी आई डिटेक्ट कर सकती है। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर सकती हैं, नहीं तो अगर हम यूवी डिटेक्ट कर पा रहे होते तो जो सन से रेज निकल रही है यूवी की वो हमें दिखना जाती नॉर्मल आई से, पर हमें नहीं दिखती ना वो वेव्स, क्योंकि वो रेज जो है वो हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट स्टिल सन जो है वो यूवी रेज को जो है वहां पे एमिट कर रहा है। तो विजिबल लाइट वो है, विजिबल रीजन वो है जो हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। फायरफ्लाइज, लाइट बल्ब, स्टार्स, ये सब विजिबल लाइट को एमिट करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रेडिएशंस की हम बात करें तो वो सन एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से स्किन में टैनिंग होती है, बर्न्स होते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस में प्रेजेंट है वो सब यूवी रेडिएशंस को एमिट करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। फिर एक्सरे की बात करें, डेंटिस्ट जो होता है वो एक्सरे का यूज करता है। अरे डेंटिस्ट क्या, कोई भी ऑर्थोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक्सरे कराते हैं ना, हड्डी टूटेगी तो बोलेंगे ना जाके एक्सरे करा के आओ तब पता चलेगा, तो एक्सरे वही है। ठीक है, आपके बोन्स को स्कैन करने के लिए यूज की जाती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी एक्सरेज का यूज किया जाता है बैग के अंदर देखने के लिए। हॉट गैसेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो हॉट गैसेस हैं वो भी एक्सरेज एमिट करती हैं। इसके बाद में आता है गामा रेज। गामा रेज क्या है? डॉक्टर्स गामा रे इमेजिंग करते हैं बॉडी के अंदर देखने के लिए। बिगेस्ट गामा रे जनरेटर ऑफ ऑल इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ढेरों गामा रेज निकल रही हैं। अब यहाँ पे देखो, विजिबल लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल, ठीक है। फिर यूवी रेज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन, यूज इन फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज होती, ट्यूब्स में यूज होती हैं। एक्स रेज आपके बॉडी के अंदर की हड्डियां देखने के लिए यूज करा जाता है। गामा रेज जो है यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। गामा रेज का यूज मेडिसिन में किया जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। इतना समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी तरीके की रेज होती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है साइकिल पर सेकेंड, या फिर हर्ट्ज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स और एनर्जी को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब बात करेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा एंड कलर। स्पेक्ट्रम है ना, कभी वो देखा है ट्राइंगल सा होता है, ग्लास का एक ट्राइंगल जैसा होता है, उसको हम रखते हैं और लाइट मारते हैं तो हमको यहाँ पे पूरा वो देखने मिलता है। एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल आपको जो स्पेक्ट्रम का देखने मिलता है वो है रेनबो, ठीक है। रेनबो एक तरीके का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमें जो कलर्स दिखते हैं वो कौन से होते हैं? विवग्योर। तो बेसिकली यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कलर्स की स्टडी करते हैं।
It is a field of study that measures and interprets electromagnetic spectra. Electromagnetic spectra को measure करते हैं और उसकी study करते हैं. इसमें क्या होता है? Splitting of light. White light आ रही है, यहाँ से white light आ रही है. ये spectrum present है, यहाँ spectrum से टकराई, इस तरीके से जो है यहाँ पे spread हुई और spread होके यहाँ पे इस तरीके से जो है बाहर आके हमें विबग्योर के form में देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? इट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया उसने अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से. प्रिज्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, प्रिज्म. और जो रेनबो है वो भी क्या है? वो एक तरीके का प्रिज्म ही बना रहा है, तभी आपको जो है अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं. अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स. देखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? फ्लोरीमीट्री, एग्जांपल्स हैं इसके फ्लोरीमीट्री, फ्लेम फोटोमीट्री और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एब्जॉर्प्शन में क्या आता है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR जिसे हम बोलते हैं, फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये सभी हम पढ़ेंगे. इसके बाद में स्कैटरिंग में आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये टाइप्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानते हैं. इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट एनालाइजेस द रेडिएशन इमिटेड बाय द सैंपल दैट हैज been excited by thermal or electrical energy. अब देखो इसका principle क्या है? Atomic emission spectroscopy, ये इसी का type है. emission spectroscopy में atomic emission spectroscopy आता है. इसमें quantitative measurement होता है of optical emission from excited atom to determine analyte concentration. excited atom to determine analyte concentration. basically यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है एटम्स एक्साइटेड स्टेज पर जाते हैं, फिर वो धीरे 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 वापस नॉर्मल स्टेज पर आते हैं. उस टाइम पर हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे हम उसका कंसंट्रेशन एनालाइट का डिटरमाइन करते हैं. अब इसमें करते कैसे हैं? बेसिकली आपको चाहिए यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपैरेटस में आता है एक्साइटेशन सोर्स, इलेक्ट्रोड, सैंपल हैंडलिंग, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर और स्पेक्ट्रोग्राफ. यानी कि यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन डाला है या इनर्ट गैस डाली है. होगा क्या, पहले जो भी आपका सैंपल है वो एक्साइटेड स्टेज पे जाएगा. एक्साइटेड स्टेज पे जाने के बाद में वो धीरे 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 अपने स्टेज पे आएगा. उतने बीच में यहाँ पे मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करके आपको यहाँ पे रिजल्ट का फॉर्मेशन होके दिखा देंगे. बस यही होता है इसमें, बाकी बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं. एक बार यहाँ पे प्रोसीजर भी देख लो. एस्टेब्लिशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने यहाँ पे क्या किया? एक हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया. वन इलेक्ट्रोड जो है वो बनी हुई है मटेरियल बीइंग एनालाइज, जिस मटेरियल को एनालाइज करना है. द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वेपराइज अ पोर्शन ऑफ सैंपल, सैंपल को वेपराइज करेगी, एक्साइट करेगी, ठीक है, इन द सैंपल टू एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा. एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन होगा. इसके बाद में बस ऐसे ही जो है फिर रीडिंग ली जाएगी और आपको पता चल जाएगा. बहुत डिटेल में मत पढ़ो यार इसको, बहुत चक्रों में मत पढ़ो, नहीं तो ना अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. सिंपल सी बात है, सैंपल हमारे पास में है, सैंपल को हम वेपराइजिंग स्टेज पर पहुंचाते हैं, वहां से स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, मोनोक्रोमेटर्स का यूज होता है, डिटेक्टर्स का यूज होकर डिटेक्शन होता है और स्पेक्ट्रोग्राफ पे आपको स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होकर दिख जाता है, रीडिंग मिल जाती है, खत्म बात. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमिशन स्पेक्ट्रम, हर उसका यूनिक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है. सो स्पेक्ट्रोग्राफी को हम अननोन कंपोजिशन अगर है किसी मैटर की तो वो पता करने के लिए यूज कर सकते हैं. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालाइज हम कर सकते हैं ट्रेस एलिमेंट जैसे सॉइल, वाटर, मेटल, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, क्लिनिकल स्पेसिमेन, फूड एंड सॉलिड अदर सॉलिड्स को एनालाइज करने में. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम रेडिएशन एमिटेड बाय एटम्स, अगर एटम्स से रेडिएशन हो रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. अब आ जाओ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एटॉमिक इमिशन पढ़ ली, अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे. इमिशन में क्या हो रहा था? वेपर्स एमिट हुए, हायर स्टेज पे गए, फिर वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्टेज पर आएंगे, उस बीच में जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और फिर अपनी रीडिंग दे देगा. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा है? इज अ स्पेक्ट्रो एनालिटिकल प्रोसीजर दैट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट इन गैसियस स्टेट. क्या कर रहा है ये?
कंसेंट्रेशन बता रहा है किसी भी केमिकल एलिमेंट का गैसियस स्टेट में। इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AAS कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। फर्स्टली, ऑल एटम्स एंड आइंस कैन एब्जॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक यूनिक वेवलेंथ। हर एटम जो है या आयन जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब सैंपल, व्हेन अ सैंपल कंटेनिंग कॉपर एंड निकल फॉर एग्जांपल इज एक्सपोज टू लाइट एट अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ कॉपर, देन ओनली द कॉपर एलिमेंट्स और आयन विल एब्जॉर्ब दिस लाइट। यानी सीधी सी बात है कि अब जैसे कोई भी सैंपल है जिसमें कॉपर या निकल प्रेजेंट है, तो हमने उसको लाइट में एक्सपोज करा, सेम उसी वेवलेंथ पे एक्सपोज करा जिस वेवलेंथ पे, जो वेवलेंथ कॉपर की है, तो वो वही क्या करेंगे, अगर वो कॉपर के जो एलिमेंट्स या आयन होंगे वो उसी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा। अब अपैरेटस में आप क्या लोगे, चार मेन कॉम्पोनेंट है, लाइट सोर्स, एटमाइजेशन सिस्टम, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर। ये जनरली ना हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही होता है, सैंपल सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटर होगा, डिटेक्टर होगा। इतनी ये मेन चीजें जो है, लाइट सोर्स, सैंपल होल्डर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्शन सिस्टम, ये तो होगा ही होगा प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका अपैरेटस होता है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है अ हीट, यहां से चालू है, ठीक है, अ हीट सोर्स क्रिएट अ स्टेडी स्टेट और फ्रीली डिसोसिएटेड ग्राउंड स्टेट एटम्स, फिर लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट हमने पास करी फ्लेम में से, तो सैंपल इज एटोमाइज, मतलब एटम्स का फॉर्मेशन हो गया, एटोमाइज हो गए। फिर इसके बाद में दिस कैन बी डन इन टू टाइप्स, फ्लेम एस्पिरेशन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रो थर्मल ऑटोमाइजेशन। फ्लेम एस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन इज ट्रांसफर इन टू अ फ्लेम वेयर मोस्ट ऑफ इट इज वेपराइज। इलेक्ट्रो थर्मल ऑटोमेशन में क्या हो रहा है, वेपर इज प्लेस्ड डायरेक्टली इन टू द ग्रेफाइट और पायरोलिटिक ट्यूब। यहाँ पे पहले क्या होगा, ड्राइंग होगी, एशिंग होगी, फिर एटम्स बनेंगे। सीधी सी बात है, फ्लेम एस्पिरेशन में सीधे वो वेपर्स बन गए, इलेक्ट्रो थर्मल में क्या हुआ, इलेक्ट्रो थर्मल ड्राइंग, एशिंग और फिर एटमाइजेशन होगा। फिर इसके बाद में एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्री एब्जॉर्बिंग एटम इन द ऑप्टिकल पाथ, और उसको फिर क्या डिटेक्टर आ जाएगा, सीधी बात है, यहाँ पे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपको जो है पता चल जाएगा, उसी वेवलेंथ का होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ये आपको डिटेक्टर बता देगा। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, AAS is used for trace metal analysis. Metal analysis करने के लिए होता है, impurity और contamination पता करने के लिए होता है, quality control, rapid assessment of raw materials. और it can determine the concentration over 70 different element. भाई 70 different element present है solution में, ठीक है, एक solid sample है। अब हमें उसको पूरा का पूरा डायरेक्टली पता करना है कि क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं। AAS इज एन इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव है, हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी यूज होती है इंडस्ट्रियल में, क्लिनिकल में या रिसर्च सेटिंग्स में, और इट्स अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्या है हमारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी लाइट को यूज करती है टू डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंसी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की एब्जॉर्बेंसी पता करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें, टेक्निक मैप्स द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर एंड मेजर्स। होता क्या है, यहाँ पे जैसे हमारा कोई सैंपल है, देखिए ये सैंपल है, हमने क्या करा, हमने सैंपल को जो मशीन होती है उसको खोला, हमने पहले ब्लैंक सेट कर लिया, ब्लैंक सेट करने के बाद में हमने उसमें अपना, हमें वेवलेंथ मैच करनी है कि भाई ये जो है इसकी क्या मेजरमेंट है, क्या वेवलेंथ है, तो हमने उसको रखा और हमने मशीन को ऑन किया। जब हमने मशीन को ऑन कर दिया तो वहाँ पे आपको जो है तो वो लाइट पास होगी, यूवी लाइट पास होगी, और फिर आपको डिटेक्टर पे यानी स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे आपको उसकी वेवलेंथ देखने को
मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर होता है एक, कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपके पास में जो मशीन है उसमें जो है सैंपल रख दो, बंद करो, सेट करना होता है। सॉफ्टवेयर में सबको सेटिंग करनी होती है और सब कुछ होके आ जाता है, मेहनत नहीं होती। एक बार अगर आपके प्रोफेसर ने सिखा दिया आपको ये करना तो आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। तो यूवी विजिबल रेंज, यूवी रेंज नॉर्मली एक्सटेंड्स, यूवी की रेंज क्या होती है 10 to 400 नैनोमीटर, ठीक है 10 to 400 नैनोमीटर, 100 to 400 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। इसके बाद में प्रिंसिपल क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होती है यूवी लाइट की। तो बाय केमिकल कंपाउंड्स विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा। अब इसमें लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर और डेटा रिकॉर्डर यूज होते हैं। अलग अलग तरीके के लाइट सोर्स हो सकते हैं, बहुत तरीके के मोनोक्रोमेटर्स होते हैं और बहुत सारे तरीके के डिटेक्टर्स होते हैं। मोनोक्रोमेटर्स की मैं आपको अगर टाइप बताऊँ तो मोनोक्रोमेटर्स एक तो आपका होता है ग्रेटिंग सिस्टम, ठीक है, ग्रेटिंग टाइप का मोनोक्रोमेटर होता है जिसमें क्या है इस तरीके का आपको देखने को मिलता है ग्रेटिंग में, ऐसा ऐसा, ठीक है। अगर हम डिटेक्टर्स की बात करें तो डिटेक्टर्स भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है बैरियर लेयर सेल और एक होता है सिंपल फोटोवोल्टिक सेल, ये डिटेक्टर होते हैं। अब अगर हम लाइट सोर्सेस की बात करें तो अलग अलग तरीके के लैंप्स होते हैं, हाइड्रोजन लैंप हो सकता है और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, ड्यूटोरियम लैंप होता है, ज़ेनॉन लैंप हो सकता है, टंगस्टन लैंप हो सकता है, मर्क्यूरी डिस्चार्ज लैंप हो सकता है। हर तरीके के अलग अलग लैंप यूज करे जा सकते हैं, डिपेंड करता है। अब इसके बाद में, अब देखो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमें इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत डिटेल में मत जाना क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास में। कभी मुझे जो है टाइम रहेगा तो मैं आपको ये सब टॉपिक्स का एक एक सेपरेट लेक्चर लूँगी, जिसमें मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एकदम सेपरेट लेक्चर लूँगी। हर टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी सबका एकदम सेपरेट लेक्चर आएगा। अब प्रोसीजर देखो, टर्न ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड अलाउ द लैम्प टू वार्म अप फॉर 20 मिनट्स। पहले से चालू कर देते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, एकदम ऐसा नहीं कि चालू करा, सैंपल रखा, एनालाइज कर दिया, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले से चालू करके रख दो। फिर क्यूबिट होता है, क्यूबिट कैसा होता है, क्यूबिट इस तरीके का कांच का होता है, ठीक है, कांच नहीं, एक्चुअली वो कांच नहीं होता, वो क्वार्ट्ज होता है बेसिकली, ओपेक होता है, और वो यानी दो साइड से ओपेक होगा, इस साइड से ओपेक होगा और इसके अपोजिट साइड से ओपेक होगा, बाकी इन दोनों साइड से जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पास हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, क्यूबिट होता है, छोटा सा क्यूबिट होता है, क्यूबिट्स के साइज अलग अलग होते हैं, तो यूजुअली जो है यहाँ पे छोटा वाला क्यूबिट हम यूज करते हैं। उसमें हमने क्या करा, उसको बहुत अच्छे से हमने क्लीन कर लिया, उसमें हमने अपना सॉल्वेंट डाला प्रॉपरली, फिर हमने उसको फिर से क्लीन करा कि कहीं बाहर जो है सॉल्वेंट गिर ना गया हो, तो बिल्कुल भी एक भी बबल अबल कुछ भी नहीं होने चाहिए, सब कुछ उसमें से एकदम क्लीन होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होती है ये, बहुत क्लीनलीनेस के साथ में आपको करनी पड़ती है। तो हमने साइड ऑफ क्यूबिट को क्लीन करा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो भी हमने उसमें अंदर रख दिया। अब उसके बाद में हमने उसको स्कैन किया, कुछ नहीं है, रख दिया, बंद कर दिया, कुछ नहीं दिखता उस मशीन में, ठीक है। अब आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे आना है, कंप्यूटर जो रखा है उस पर काम करना है, आपको एब्जॉर्बेंस को 200 से 800 नैनोमीटर पे सेट कर देना है, और फिर आपको जो है पहले ब्लैंक सेट करना होता है, स्कैन द क्यूबिट एज अ सॉल्वेंट ब्लैंक, ब्लैंक के फॉर्म में आपको पहले उसको स्कैन कर लेना है, फिर क्यूबिट को जो है फेंक दो, क्यूबिट में जो रखा है ऑर्गेनिक वेस्ट उसको फिर ड्राई करो पूरा क्यूबिट को, और फिर से उसके बाद में अपना फिर सैंपल डालो, पहले ब्लैंक सेट कर लो, फिर सैंपल डालो, फिर उसके बाद में जो है आप फिर चलाओगे, तब जाके आपको उसका जो है देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन, आपको तब मिलेगी रीडिंग। इसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या होती है, यूवी विजिबल नॉर्मली एक्सटेंड फ्रॉम 100 to 400 नैनोमीटर, विजिबल रेंज अप्रोक्सीमेटली 400 to 800 नैनोमीटर होती है। सो द पोजिशन ऑफ एब्जॉर्बेंस पीक बनते हैं, ठीक है, ऐसे पीक बनते हैं, एब्जॉर्बेंस पीक जो है वो इंफॉर्मेशन देता है आपको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जो भी सैंपल प्रेजेंट था। तो मोस्ट फॉरेंसिक एनालाइट यूजेस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेरी पूरी एमएससी मैंने केवल यही मशीन चला चला के की है, पूरा मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क था, जो डेजर्टेशन मैंने किया था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही काम कर करके किया है। तो ये जो मशीन है ये, इससे मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से फैमिलियर हो चुकी हूँ। तो बहुत इजी होती है और कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सॉफ्टवेयर में रहता है, बस आपको सेट करना आना चाहिए, प्रॉपर सैंपलिंग आनी चाहिए, प्रॉपर जो है आपको क्यूबिट
क्लीनलीनेस के साथ में काम करना आना चाहिए। ये आपको इंक फाइबर और ये सब में यूज होती है। टीएलसी में भी जो है ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हम यूज करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या होता है, ट्रेस एविडेंस जैसे हेयर है, फाइबर है, ग्लास है, इन सबको इजिली हाई एक्यूरेसी पे एनालाइज करने में यूज होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ मटेरियल व्हेन रेडिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। वही चीज है कि भाई यहाँ पे जो है जब रेडिएशन पड़ेंगे तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इसमें आता है आपका एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। फिर आता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने तरीके की होती है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो उसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक इरेडिएटिंग द सैंपल विद हाई एनर्जी पार्टिकल सच एज एक्स रे फोटोन इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन्स यूवी रेडिएशन फोटोन कॉजेज ऑगर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड, ऑगर इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑगर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत लो एनर्जी पे एमिट होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका जो यूज है ऑगर इलेक्ट्रॉन्स का कई सारे फिनोमेनम्स में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इम्पोर्टेंस देख लो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल मींस फॉर आइडेंटिफाइंग सर्टेन इम्पोर्टेंस क्रोमोफोर्स विच कैन अकर इन फेरिटेंस, भाई क्रोमोफोर्स की इम्पोर्टेंस को पता करने के लिए होता है। फॉरेंसिक्स में यूज किया होता है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड डिटरमाइन कॉम्पोजिशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी ये डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी सैंपल है कंपाउंड है उसमें हमें कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी पता करना है तो हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद में फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में भी इस टेक्निक का यूज होता है, इंक पिगमेंट का पता करने, पेपर फाइबर्स का पता करने, सरफेस टोपोग्राफी पेपर के सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट यूजेस लाइट स्कैटरिंग टू डिटरमाइन द वाइब्रेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए की जाती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स बाय शाइनिंग अ हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट सोर्स ऑन अ मॉलिक्यूल, हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट पड़ेगी मॉलिक्यूल पे जो कि लाइट को स्केटर करेगी। अब जो स्केटरिंग है वो डिटेक्ट होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल फिंगरप्रिंट्स को, सब्सटेंस के केमिकल फिंगरप्रिंट्स को। इट फाइंड्स एप्लीकेशन मेनली इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेनली यूज होता है रिलेटेड टू फिंगरप्रिंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिंगरप्रिंट को पता करने के लिए। देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है रेज निकल रही है, है ना, अलग अलग टाइप की रेज निकलने को मिल रही है, स्केटरिंग हो रही है। प्रिंसिपल की बात करें तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू द सैंपल such that the radiation may get reflected, absorbed or scattered. Monochromatic radiations को हम sample से pass करते हैं, तो या तो वो reflect होगा या absorb होगा या वो scatter हो जाएगा। तो जो scatter होता है photon, उसकी different different frequency होती है from the incident photon as the vibration and rotation property vary. तो अब यहाँ पे होगी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या क्या अपैरेटस लगता है, लाइट सोर्स, लेंस, फिल्टर, प्रिज्म डिटेक्टर, सब में वो इसी में लाइट सोर्स होगा, लेंस इसमें लेंस है, फिल्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, किसी किसी में जो है यहाँ पे आपको मोनोक्रोमेटर्स देखने मिलते हैं, इसमें नहीं है, इसमें फिल्टर है, प्रिज्म है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फंडामेंटल इंटरेक्शन, मटेरियल साइंस, फूड एनालिसिस, फॉरेंसिक साइंस में देख लो क्या है, क्राइम के बारे में पता करने के लिए, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करने के लिए, ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक्सप्लोजिव्स का डिटेक्शन करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। बाकी के आप ये पढ़ लेना, बाकी हमें तो फॉरेंसिक साइंस से मतलब है तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब देखो बहुत लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, फॉर श्योर गारंटी लिख के ले लो, बहुत लोगों को ये यूनिट बोरिंग लग रही होगी, तो वो एक्चुअली में है भाई, थोड़ी सी ये बोरिंग है और हम एक ही साथ सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये और बोरिंग और डिफिकल्ट सा हमें लग रहा है। तो
ये है यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है आप सभी को, बट इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल है। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि आपको अच्छे समझा पाऊँ, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके देखना एक बार और पूरे पॉइंट्स नोट करना। रिपीट करके जब आप देखोगे ना, नोट्स तो बनाते ही होगे, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं और अभी इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे होगे, तो फिर से वीडियो देखना, फिर नोट्स बनाना, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब IR देखो, हम दो यहाँ पे टेक्निक्स और पढ़ेंगे, IR और FTIR। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हम। IR है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मॉलिक्यूल टेंड्स टू अब्सॉर्ब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस प्रिंसिपल पे चल रही है कि हर मॉलिक्यूल जो है अपनी अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस हिसाब से स्ट्रक्चर दिखाता है मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे अपैरेटस क्या है? रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, टू पेयर ऑफ स्प्लिटर्स, सैंपल सॉल्यूशन, डिजिटल रीडर रेफरेंस और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये इसका अपैरेटस होता है। FTIR क्या है? फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, FTIR। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस जिसे हम इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं टू स्कैन थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ। सीधी बात है, इसमें एक मशीन का यूज कर ली जैसे हम इंटरफेरोमीटर बोल रहे हैं। इन इट्स कॉमनेस्ट फॉर्म द मिकेलसन इंटरफेरोमीटर इज यूजेस बीम स्प्लिटर, जो लाइट बीम को दो पार्ट पे डिवाइड कर देता है। एक होता, ये उसी का नाम है, मशीन का नाम है मिकेलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं, जो एक बीम को दो उसमें बीम्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट पे डिवाइड कर देता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? FTIR को हम यूज करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, फिजिकल एविडेंसेस को एनालाइज करने के लिए, और केमिकल सैंपल जैसे कि पेंट, डेब्रिस, सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीमर कोटिंग, ड्रग, एक्सेलरेंट, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। FTIR माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये क्या करता है? केमिकल इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद में दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प टू ट्रेस अ सस्पेक्ट लास्ट स्टेप बिफोर द क्राइम। ओके, ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि IR और FTIR का यूज कहाँ, इतना ही जान लो। फिर देखो, एक आती है NAA, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है जो कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को पता करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एलिमेंट्स इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में आपको अगर कुछ भी आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है, तो आप NAA टेक्निक का यूज कर सकते हो। NAA वर्क्स बाय मेजरिंग गामा रेज। अब ये तो गामा रेज पे काम कर रही है, सीधी सी बात है। अब इसके बाद में ये बेस्ड किस पे? ऑन द फैक्ट दैट मैनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कैन एब्जॉर्ब स्लो मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन। ये इस पे बेस्ड है कि जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है वो स्लो मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई में। ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है और यूज किस लिए होती है? एग्जिस्टिंग एंड क्वांटिटीज ऑफ मेजर, माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट, जो बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स मिले हैं, सैंपल्स मिले हैं, उनके लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड है बेसिकली। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, न्यूट्रॉन एनालिसिस एक्टिवेशन। फिर आ जाओ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे बेस्ड होती है? टू मेजर चार्ज टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर क्या कर रही है? मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, रेशियो, ठीक है। द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड एज अ मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम में रिजल्ट आते हैं विच द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मास टू मास चार्ज। अब देखो, डेफिनेशंस बस पता कर लो कि किस चीज का यूज किस चीज में हो रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। डिटेल में पढ़ाने अगर मैं बैठ गई तो आपको जो है पता भी नहीं चलेगा। एक टॉपिक में सिर्फ यूवी विजिबल पढ़ाने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, इतना डिटेल में है वो टॉपिक। बहुत छोटे से फॉर्म में मैंने आपको समझाया है कि वो टेक्निक क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट है और प्रिंसिपल क्या है, किस चीज में काम की जाती है, बस इतना ही अभी मैंने बताया है। बाकी वो पूरी टेक्निक अगर मैं
मैंने पढ़ाई, वो अकेली नहीं, सारी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोमीटरी है, उनको पढ़ाने में काफी टाइम जाएगा, बहुत डिटेल में है, वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी जब आप फ्री रहोगे, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल चुका होगा। अभी आपके सिलेबस में आपको बस इतना ही थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, नींद आ रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अगला चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं गारंटी ले रही हूँ, फॉरेंसिक मेडिसिन है क्योंकि उसमें, तो अगले चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, गारंटी है मेरी, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। चलो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट है, मास और रिलेटिव कंसंट्रेशन एटम्स और मॉलिक्यूल का पता करता है। ये क्या करता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट द स्पीड एट विच पॉजिटिवली चार्ज आइंस मूव थ्रू वैक्यूम चेंबर। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आइंस को इस वैक्यूम चेंबर में मूव कराया जाता है। ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम चेंबर है ये, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जाती है, यहाँ पे सैंपल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गई और भैया वो पास हो गए। अब स्पीड को मेजर करते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू आपको पता चलता है स्पीड ऑफ आयन डिटरमाइंड बाय द वेट। स्पीड कैसे पता चल रही है, वेट के जरिए। अब यहाँ पे देखो, टिपिकल मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंप्राइजेस तीन पार्ट होते हैं। आयन सोर्स होता है, मास एनालाइजर होता है और डिटेक्टर होता है। सैंपल को हम एनालाइज करते हैं, इज आयोनाइज इन द आयन सोर्स, द आयन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाल देते हैं। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसको हम यूज किस लिए करते हैं, अननोन कंपोनेंट्स हैं उनका हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं नोन कंपाउंड्स को, स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन पता करते हैं। लगभग जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी सबका यूज हमने लगभग ऑलमोस्ट सेम चीज के लिए किया है। अब देखो भाई, आप जो है फॉरेंसिक की फील्ड में आगे बढ़ना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता है कि मैम हमें जो है सीआईडी में जाना है, आईबी में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमको पता ही नहीं है, हमको लैब में जाना है, हमको पता ही नहीं है। तो भाई ये सब जानना है अगर आपको, तो बहुत डिटेल में होता है, बहुत चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है यूजी पीजी लेवल पर, नहीं तो अगर आपने अपनी एजुकेशन खराब कर ली, यूजी पीजी खराब कर ली, तो फिर आपका पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, नीचे दी रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन कर देना, सब कुछ मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाएं हम। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल, बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल, बिटवीन मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आओ चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग एटोमाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब ये देखो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बता रहा है। नेक्स्ट, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब लाइट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेजोनेंस लाइट, बेस लाइन, स्ट्रोक लाइट, एंटी स्ट्रोक लाइन। The difference in wavelength between incident and scattered visible corresponds to the wavelength is called visible IR, microwave या UV. Which of the following type of spectroscopy is light scattering technique? Light scattering किस में होती है? NMR, IR, Raman या फिर UV? That is it for today. भाई सब लोग comment में मुझे answers दे रहा, और अब हम मिलेंगे कल के lecture में शाम को 6 बजे। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Take care, bye bye.